तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। सुबह के 11 के करीब का टाइम हो चुका है, अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वजह पता क्या हुई, सिर्फ आधे घंटे का डिफरेंस रह गया। अगर रात आधा घंटा मैं ना सोता ना तो मेरी वीडियो एडिट होकर अपलोड हो जाती। उसी चक्कर में सुबह लेट उठा, और लेट उठा मतलब लेट वीडियो एडिट की, और फिर अपलोड करने में दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पर आगे नेटवर्क है ही नहीं था भाई। फिर यहाँ से टिगलू भाई और अर्श भाई दोनों भाई यहाँ से मोबाइल लेके वहाँ वापस पिछले गांव में गए, जहाँ पर पहले हमने कैंपिंग कर रखी थी एक दिन पहले, वहाँ जाके वीडियो अपलोड करी है भाई। तो अभी अर्श भाई की तो अभी भी अपलोड नहीं हुई, फिर मैं टिगलू भाई को अंकुश भाई की बाइक लेकर अभी आया, क्योंकि हम दोनों को जल्दी निकलना है, क्योंकि आगे आपको पता ही है पास है, पास क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। टिगलू भाई को लेके आ गए, सामान सारा रेडी है, खाना भी यहीं पर लेके आ गए, यहाँ पर खाना है ही नहीं था। तो उधर अंकुश भाई तो लगे हुए पूरे जोरों शोरों से खाना खाने भाई। टिगलू भाई तूने खा लिया? नहीं। क्यों? पहले सामान पैक कर लेते हैं। हाँ फिर हम दोनों खाएंगे ना। और उधर अंकुश भाई तो चट भी कर गए भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओ ये देखो भाई झूले, झूले झूले चलता है इधर झूले। वाह जी वाह, हमारे लिए भी छोटा है पूरा भाई पूरा। ओ भाई ठीक है भाई, खा नज़ारे ले, हम निकलते हैं खाना खा के और आ जाओ पीछे पीछे, ठीक है? टिकलू भाई तेरे लिए ज्यादा नहीं हो गए? ज्यादा पहले पहले बता दे। अरे मैं बस मैं इतनी खा पाऊंगा, मैं खा लूंगा, पहले पहले बता दे। सब्जी डाल दूं? सब्जी डाल दे हाँ इसकी। ओ वाह टिकलू भाई, मजा ही मजा। ले टिकलू भाई, अरे काम बाद में कर, पहले एनर्जी आएगी तभी तो काम करेगा तू। आ यार छट गुस्सा आ जाइए तू भाई, आ जा पहले मैं हेल्प करवा दूंगा तेरे साथ में। सही है आज राजमा नहीं मिले। लो जी हमें चलते चलते लगभग एक बज चुका है, वही जोजिला वाला टाइम हो चुका है। हमने कुछ साथ में ना बिस्कुट वगैरह ले लिए ताकि कोई रास्ते में दिक्कत ना आए। अर्श भाई आ चुके, अर्श भाई अभी सामान अपना लेके आ जाएंगे, हम जल्दी से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके, हाइट है तो हमें टाइम लगना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलते। चल टिकलू भाई निकलते हैं हम तो ना यार, बहुत लेट हो गए यार, करते करते वीडियो के चक्कर में लेट हो गए थे। ठीक है अर्श भाई चलते हैं, तो सामान सारा लेके आराम से आ जाना, साथ साथ अगर अंधेरा होगा ना इकट्ठे चलेंगे। ठीक है टिकलू भाई? ठीक है भाई। हाँ तू तो थोड़ा आगे निकल, जगह की व्यवस्था कर लेना, हम दोनों इकट्ठे आएंगे। अंधेरा हो गया ना अभी, तो तुम साथ चलो जहाँ तक चलते हो। अरे साथ ही चलेंगे हम। सुनो सुनो, यहाँ से 5 बजे से पहले पहले जहाँ जगह मिलेगी 4 घंटे में तुम वहाँ रुक जाना। हाँ कोशिश करेंगे, क्या बनता है बाकी पता नहीं है क्या बनेगा। देखो जैसे तुम कहीं रुकते हो और मैं आगे पीछे हूँ, तो अपनी साइकिल रोड की तरफ खड़ी करना ताकि आराम से पहचान जाए आदमी यहाँ खड़ा है। हाँ है कि नहीं? ठीक है, तुम आगे पीछे भी होगे तुम्हारी साइकिल पहचान, यहीं आसपास होंगे। हाँ कोई नहीं, हम वहीं मिलेंगे। चल टिकलू भाई के भाई। चलो जी आज की अपनी सफर की शुरुआत तो होती है जी सुबह की, सुबह नहीं भाई आफ्टरनून से। ओ भाई बहुत लेट हो गया, वजह पता क्या थी? वजह थी वीडियो अपलोड करने में देरी होना। फिलहाल सफ़र अपना 24 किलोमीटर है भाई, और हाइट ही हाइट है, बाकी देखते हैं क्या होता है, जो होगा आपके सामने है भाई। टिकलू भाई हौसला रखना पड़ेगा आज भाई, आज फिर जोजला जैसी हाइट है भाई, सेम वैसी की वैसी मिलेगी, और बर्फबारी ज़्यादा मिलेगी, हवा काफ़ी तेज़ मिल सकती है। फिलहाल अभी हवा रुकी है, शाम को तेज़ हो जाती है। ये है जी सुरू रिवर, और यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है भाई, आने वाले टाइम में सारा रास्ता बन जाएगा और ब्रिज भी बन जाएगा। फिलहाल सामने का कुछ माहौल ऐसा भाई, बर्फी बर्फ जमी हुई है, और आगे भी जाके ना थोड़ी दूर 3-4 किलोमीटर जाके रोड बनाने वाले का एक कैंप है। और भैया कैसे हो? ये भैया भैया जिनकी दुकान थी शायद, शक्ल तो सब ऐसी लग रही है। बाकी ठीक है भाई चलते हैं, अंकुश भाई निकल चुके हैं और अर्श भाई बाद में आएंगे। इस गांव से आगे ना नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आएगा टॉप क्रॉस करने के बाद तक। सुबह से हवा रुकी हुई थी भाई, अब जब हम चले हवा भी चल गई, पता नहीं क्या दुश्मनी है ना। देख लो भाई पूरा सीधा आगे से तीखे वाली हवा चलती है, मतलब पूरा फोर्स लगाना पड़ता है साइकिल को धकेलने के लिए। आगे फिर ये कच्चा रास्ता आ चुका है, अब ये नहीं पता सामने एक ब्रिज है उसके आसपास ही कच्चा है या आगे भी कच्चा है, बाकी जैसा भी होगा वो आगे का आगे दिखाएंगे। फिलहाल इधर एक ना हरे घास का दलदला सा मैदान है, इसमें आपको पशु चरते हुए दिखाई देंगे वो सामने। बाकी एक बात अच्छी है, इधर कच्चे रास्तों पे भी ना धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ नहीं रही, क्योंकि व्हीकल बहुत कम जा रहे हैं, लोग इधर से ना जनसंकार वाला रास्ता कम ही जाते हैं घूमने के लिए।
शायद ये आखिरी जगह ही होगी जहाँ पर कोई रुकने की कैंपिंग करने की व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद शायद ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ये रोड पर ना वालों के ना कैंप है भाई, जो ये हवा का चौका है इसको क्या बोलते तुम? ये चक्कर वाला होता जो घूर्णी घूर्णी बोता घूर्णी बोता नहीं ना कैप, देखो कहाँ फेंक दी मेरी, इतनी तेज हवा का झोंका नहीं, वो चक्कर यूज होता क्या बोलते हैं उसको हमारे पंजाबी में, वाह वरोला बोलते हैं, वाह वरोला। चलो भाई चलते हैं भाई। चूहे 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 कैसे आवाज़ लगाते, कुचर 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 कुचर। ये जो ब्राउन ब्राउन चूहे हैं ना बड़े बड़े जो पीछे अभी दिखाए जिनकी आवाज़ें थी तेज तेज, ये चूहे इसी रास्ते मिलेंगे, मतलब जंस्कार के रास्ते जो जंस्कार कह रहे हैं। नहीं तो मैंने कितनी जगह घूम लिया कभी भी किधर भी किसी भी पहाड़ पर ऐसे चूहे नहीं देखे भाई, इतने बड़े बड़े। और इधर देखो भाई रास्ते बिल्कुल कच्चे कच्चे हो गए हैं। अभी तक तो रास्ता ठीक है ना, उतनी टफ चढ़ाई नहीं है ना। और इधर चूहा था वो मोटे वाला, बड़ा कुत्ता भागा तेज 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 भागा मेरे को देख के। टिकलू भाई रुकना है, रेस्ट लेनी है। एक छाया नहीं मिलेगी इस रास्ते में भाई कहीं भी, बाकी मतलब गर्मी कहाँ है, रुकने पर गर्मी लगती है, ठंडा एरिया है ये तो, साइकिल चला रहे ना इसलिए थोड़ा लगती है गर्मी, थोड़ा एक दो बिस्कुट खा लो एनर्जी सी आ जाएगी। चावलों का तो पता ही नहीं लगा यार, जो चावल आलू खाए हैं पता ही नहीं लगा किधर के, खाली होगा पेट बिल्कुल। लो जी हल्की फुल्की पेट पूजा करके निकल चुके दोबारा भाई, अब थोड़ा सा एनर्जेटिक शरीर हो चुका है, नहीं तो बैटरी डाउन होने लगी थी ना टिकलू भाई, डाउन होने लगी थी ना। बाकी अगर रास्ता ऐसे ही रहे ना मज़ा आ जाए। ओ भैया कैसे हो, क्या रोड वाला काम करते इधर? अच्छा अच्छा, और खाना टाइम हो गया। पेंजी लवास कितना रह गया? टॉप जो ऊपर है नहीं ज़्यादा होगा बस। तो चढ़ाई कहाँ से शुरू हो गया असली वाली? उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होगी, फिर उसके बाद तो 5 किलोमीटर टॉप रह जाएगा। ठीक है, कितने आ गए हमें इस गांव से? हम जो पीछे गांव है ये ताशी गांव है ये, यहाँ से कितना आगे होंगे, कितनी दूर है यहाँ से ताशी? 2 किलोमीटर होगा 3 किलोमीटर। ठीक है ओके भाई जी। लो जी सामने जो आपको तीन पहाड़ दिखाई दे रहे ना, तीनों पर पूरे तगड़े वाली बर्फ है भाई, एक दो और एक वो सबसे आगे। अब इनमें से ये पता नहीं तेंजिला टॉप वाला पहाड़ कौन सा है भाई, अभी तक तो ऐसा प्लेन प्लेन से ही चल रहा है, और आगे कुछ रोड बनाने वाले लोग जगह जगह काम कर रहे हैं भाई। इधर ना बालू रेत बहुत ही ज़्यादा है, साइड में देखो सारी बालू रेत है, जितनी मर्जी यूज करो भाई, बट अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट का रूल हो चुका है। मैंने लोकल से पूछा था, बता रहे थे भी पहले तो ऐसे भर के लेके जाते थे, अब तो गवर्नमेंट का रूल है खरीदना ही पड़ता है। और भैया कैसे हो? लो जी लगता है यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है भाई, अभी हाइट हाइट दिखाई दे रही है। ऐसी है ज़्यादा नहीं है, ऐसी ऐसी चढ़ाई मिलेगी। कितने किलोमीटर आगे होंगे अंदाजा? अंदाजा आगे होंगे 5-6 किलोमीटर आगे होंगे। ठीक है भाई चल, लगभग 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर बचा है। कैसे पता? हाँ 23 हाँ 18 बज गया। चलो आगे जाके देख कोई जगह जुगा के जुगाड़, नहीं मतलब कुछ चाय शाय का बन सकता है जुगाड़ कुछ? चलो भाई ऊपर पहाड़ बड़ा खूबसूरत है, आगे से दिखाई देगा, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। मैं ये वाला पहाड़ बोल रहा था, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, और नीचे हरा घास है ना, याक चल रहे हैं उधर। और इधर देखो भाई
ये बिल्कुल कच्चा पहाड़ है, बिल्कुल बुरा, इसलिए इधर ना ये स्पोर्ट लगा रखे ताकि वो ये टूट फूट के ना इधर ना सड़क पे ना आ जाए। भाई इधर किधर है, इधर सारा घूम गया यार। अच्छा तो एम्बुलेंस वाला की सिस्टम नाल है, हाँ डिफेंडर गई ने, वो एम एच दी हाँ महाराष्ट्र दिया। अच्छा ग्रुप है ताटा, अगर डी पी चली ये कितने दी है एम एच? अच्छा वो मोहाली का एम एच लिखा से गड्डी से? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है जी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत हाँ यूट्यूब से वीडियो बनाई है नाल। ओके भाई जी ठीक है जी, तो ये ग्रुप चलता है इनका भाई, साथ में एम्बुलेंस भी होती है भाई। ठीक है चलते आगे, थोड़ी सी ढलान दिखाई दे रही है, मैं सोच रहा था ढलान है, ढलान तो आई पर वाटर क्रॉसिंग के लिए, अभी निकालते हैं भाई वाटर क्रॉसिंग। जी बड़े मजे से निकल गया, साइकिल को मानना पड़ेगा, अभी तक एक बार भी नहीं गिरा हर क्रॉसिंग पार के चल के, बस एक में रुका था वहाँ ये नीचे लग गया था पाइप था, बट वो भी चल के क्रॉस की थी। अभी तीनों भाई इकट्ठे हैं, मजे से आके कोई अच्छी जगह ढूंढ के ना रुकते हैं भाई। वो सामने को गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही होगी भाई, वो सामने उसके पास ही ना बक्कर वालों ने कैंपिंग कर रखी है, मतलब कहीं भी आप कैंपिंग करके रह सकते, कोई डराया नहीं है। तो जी थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि हाइट शुरू हो गई ना, सांस चढ़ गई, मैंने सोचा रेस्ट करते करें मज़े से आराम से जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या पता इधर क्या है, रुक के रेस्ट तो कर ले बट नेटवर्क नहीं है। पहले नेटवर्क होता था, रेस्ट करते थे थोड़ा फ़ोन चला लेते थे रिलैक्स हो जाते थे, बट अब नेटवर्क नहीं है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बस आपस में बातें करे जा रहे हैं। बाकी ठीक है यार, आपस में बातें मिलने जुलने का बातचीत करने का भी मौका मिल जाता, नहीं तो जो बैठते हैं फ़ोन में बढ़ जाते सारे अपने अपने फ़ोन लेके ना। अभी पढ़ा हूँ मैप देख रहा हूँ, हाँ देखो ऑफलाइन है फिर भी मैप चला रहे हैं। एक तो चढ़ाई भाई, ऊपर से हवा बड़ी तेज, पूरे सांस चढ़ के जोर लग रहे हैं भाई, और ऊपर से ऑक्सीजन की कमी भाई। बाकी ना एक अच्छे जिगजैग रास्ते नहीं है, बिल्कुल सीधे रास्ते दिखाता हूँ भाई, बिल्कुल सीधा जाना धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते चढ़ते। अब ये तो पता नहीं कौन से मतलब कौन से पहाड़ पर चढ़ना है, बट रास्ता सीधा है। टिकलू भाई आ रहे हैं, आज सुबह अभी पीछे रेस्ट कर रहे हैं भाई। सामने आपको जो वाइट वाली बर्फ़ दिखाई दे रही है ना, अजीब की तरह किया भाई, ये वाली बर्फ़ बोल रहा था भाई, देखो कैसे पड़ी है। नहीं तो बर्फ़ प्लेन होती है ना, ये तो ऐसे जैसे इकट्ठी हो रखी हो, और बड़े बड़े इसके मतलब पत्थर टाइप ऐसे को डले बोलते हैं वो बना रखे हो। लो जी बर्फ़ का डला पड़ा है पत्थर जैसा, ऊपर से आया होगा घूमता घूमता कहीं से भाई इधर, या किसी ने ऐसे फेंका होगा, कोई ऊपर गया होगा लेने, खेलता खेलते इधर ले आया होगा भाई। ये देखो भाई जमा पड़ा है, मतलब धूप इतनी है फिर भी पिघला नहीं है, पता क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग जोन में चल रहे हैं ना। लो जी हवा तेज हो चुकी है, फेस कवर करना पड़ गया, नहीं तो सारा फेस फट जाएगा। ऐसी रास्ता चले जा रहा है, हाइक ठीक है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं कह सकते, आगे देखते कैसी आती है। ओ भाई साहब कितना सोहना एरिया आ गया भाई, टिकलू भाई कितना खूबसूरत एरिया, एक जिगजैग रास्ता है भाई, ज़्यादा नहीं है, क्या नज़ारे हैं भाई। लो जी अब चढ़ाई थोड़ी टफ वाली आई है, आगे एक जिगजैग रोड है, वो और भी ज़्यादा टफ होगा, सांस चढ़ गया, ऑक्सीजन की भी कमी है ना। और भाई यहाँ से ना ये रिवर उधर चली गई, मतलब उधर से आ रही है, हमारा रास्ता इधर हो गया भाई, इस पहाड़ के राउंड ऊपर से जिगजैग करता हुआ। लो जी आपको मैप पर दिखाता हूँ हम कितनी दूर रह चुके हैं भाई, इधर रोशनी करना या छांव करना, ठीक है यहाँ पर हम है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है भाई ब्लू, और ये जिगजैग वाला रास्ता एक ये वाला जिगजैग, ये जिगजैग वाला पता कौन सा है, वो एक जिगजैग है, और उसके बाद फिर हम जिगजैग से थोड़ा ही आगे हैं, मतलब ये वाला पास है, ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटी सी ना झील है, क्या नाम है उसका? झील का
नाम नहीं आ रहा है। आ रहा था नाम कुछ पहले, अब नहीं आ रहा। इसका नाम आगे जाके बताऊंगा क्या था। तो हम मतलब पास के बिल्कुल नजदीक आ गए, बड़ा सफर कवर किया टिकलू भाई। आया इसका नाम है लैंगस्टो, ऐसा कुछ ही बोलते हैं, लैंगस्टो लैंग तसो तसो बोलते लेक, हाँ उधर, हाँ तसो ऐसा कुछ बोलते हैं, लैंगसो लेक ऐसा कुछ नाम है इसका भाई। टाइम हो चुका 3:40, हाँ जी 3:40 ले लग तेरा 3:40 का टाइम हो चुका है। 1 बजे चले थे, 1, 2, 3 मतलब 2:40 में अभी तक यहाँ तक पहुँच गया। 5 किलोमीटर के करीब रह गया जो हमारा पास है। ये भाई लोग पीछे बता रहे थे 5 किलोमीटर बस आगे, वो सामने जो जिग जैग है ना उसी के आसपास स्टॉप है। तो लगभग आधे या 1 घंटे में पहुँच जाएंगे ना टिकलू भाई। अरे आराम से, अभी अभी हमने रेस्ट पता कहाँ लेंगे, जहाँ नीचे जिग जैग रास्ता ना बस वहीं जाके रेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद टॉप पर जाकर फिर कचवाएंगे पिक्चर तगड़े तगड़े वाली भाई। लो जी सामने तगड़े वाली वाटर क्रॉसिंग आ गई है। अब ये नहीं पता ऊपर पुलिया है ये नहीं है, शुक्र है भाई पुलिया है ऊपर, मज़े से आराम से निकल जाएंगे भाई। लो जी इस पानी का बहाव देख रहे हो ना आप, अगर ये पुलिया ना ना होती तो वही काम होता जैसे पीछे क्रॉसिंग करके आए थे हम 2 दिन पहले भाई। ये अभी नया नया बना छोटा सा और बड़ा ही ब्रिज बन रहा है, ये टेम्परेरी बना रखा है क्रॉसिंग करने के लिए भाई। जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं ना भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, काम भी लग गया भाई। वही तेरे एक बात अच्छी है, अगर एक बार ये हाईवे बन गया ना कई साल नहीं टूटेगा, क्योंकि रास्ते टूटते पानी की वजह से, बारिश से और ऊपर से जब फ्लड आता तब, यहाँ बारिश तो होती नहीं है। ये वरना ऐसे जाके इधर जाके ऐसे करके जिग जैग सा ये लास्ट वाला रास्ता है और इसके आगे जाके 3-4 किलोमीटर फिर है जी तेंजिला पास। सबसे पहले तो वो देखो भाई, वो सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ी है भाई, वो वाला रास्ता भाई। गाड़ी बिल्कुल आराम आराम से जा रही है क्योंकि तिखी चढ़ाई है ना, और उधर वो अंकुश और खड़े हैं भाई। वो देखो अंकुश और हर्ष भाई खड़े हैं हमारी वेट में भाई। वो भाई कहाँ नीचे से चढ़ के आए हैं जहाँ पर मशीन लगी हुई है भाई, और इधर ये लास्ट टर्न है हमारा भाई, इसके बाद सामने होगा सीधा तेंजिला टॉप भाई। लो जी यहाँ खड़ी है जोड़ी दोनों भाई, तो लो जी अंकुश भाई और मिल चुके हैं भाई। और ये कितना रहेगा टॉप यहाँ से, वो सामने ट्रैक का जो जो ट्रैक 1 किलोमीटर होगा, मतलब 10 मिनट है ना, ज़्यादा ज़्यादा इतना। और भाई इधर का मौसम ख़राब हो चुका है, स्नोफॉल तक उधर ना ऐसे है जैसे मतलब इकट्ठा करके काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हो ना पीछे वाली गोल गोल। हाँ वो कैसी स्नो पड़ी थी पीछे, देखी थी वो वो तो मैं लेके आया था रास्ते में। अच्छा हाँ मेरी वीडियो देख, अरे मैं आगे रख के ले आया, मैं भी बोल रहा था यार कुछ या तो ऊपर से गिरी है या कोई उठा के आके छप फेंक दिया। मैं लेके आया था वैसे, अच्छा मैं भी सोच रहा था बीच में दीवार सी थी नीचे, मैंने इतना बड़ा वहां पे जितना पत्थर है ना इतनी बड़ी पहले नीचे फेंकी, वो देखने में भी खत्म होगी, फिर मैंने उठाई कंधे पे पेंजिला टॉप के बिल्कुल पास आ गए हैं, 500-400 मीटर होगा, बट यहाँ पर रास्ता बिल्कुल खराब आ गया, गाड़ी पानी बिखेरे जा रही है भाई। लो जी ये भाई सीमेंट का गट्टा नीचे से उठा के लाए, थके भैया कहाँ लेके जाना है ऊपर तक। तो फाइनली आपके भाई ने पेंजिला टॉप फतेह कर लिया भाई, लेबर शेड पांजिला, पेंजिले का बोर्ड भी लगा है, इधर एक बुद्ध धर्म से रिलेटेड मंदिर टाइप बना हुआ है कुछ भाई, दिखाते हैं आपको। ओ भाई मज़ा आ गया, और टाइम पता है कितना लगा हमें 23-24 किलोमीटर निकालने में, सेम सोनमर्ग से जोजला भी इतना था और अब ये रंगदुम से पेंजिला भी इतना ही है, 23 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हाइट है जो पेंजिला की 4470-80 मीटर के करीब है, इतनी जोजिला की थी। और टाइम लगा 3 घंटे 43 मिनट भाई, इतनी जल्दी कर दिया, और जोजिला हमने किया था लगभग 6-7 घंटों में भाई। तो आज थोड़ा गऊ माता देखो, तो आज थोड़ा जल्दी कर लिया भाई क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ चुकी है पहले ज़्यादा। वेलकम टू जंस्कार वैली, ये जंस्कार वैली है सारी भाई,
टिगलू भाई भी आ चुके हैं और भाई जिसका मेन बोर्ड थोड़ा आगे लगा हुआ है जोजला की तरह, जैसे जोजला की जो मेन टॉप है उससे आगे जाके ढलान पे बोर्ड लगा ना पेंजिला का, वैसे यहाँ पर लगा। तो फाइनली स्वागत है जनस्कार वैली पेंजिला टॉप पर आपका भाई। इधर बकर वालों के घर बने हुए हैं, यहाँ कोई ना कोई रहता है, बट इधर दुकान शुकान कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। और इधर कोई बुद्ध धर्म का जैसे मंदिर बना था ना उसके फ्लैग वगैरह लगे हैं भाई। यहाँ पर लद्दाख में हर टॉप पर आपको ऐसे फ्लैग लगे दिखाई देंगे और ऐसा कुछ बना दिखाई देगा जैसे ये फ्लैग लगे हो भाई। वेलकम टू जनस्कार वैली पेंजिला टॉप टिगलू भाई। ओ भाई मजा आ गया कर दिखाया भाई, दोनों ने बराबर करा भाई, हिम्मत लगाई तो फाइनली कर दिया भाई। मेन बोर्ड आगे लगा तो भाई एक एक पिक्चर क्लिक करे। ओ भाई मजा आ गया। बाकी एक चीज मेरे को समझ नहीं आई भाई, जोजला जितनी हाइट है और इधर ये पहाड़ भी सेम हाइट पर है, इधर बर्फ नहीं है, इधर तगड़ी बर्फ पड़ी है, उसकी वजह मैं थोड़ी सी ये बता सकता हूँ। लगता है कि इधर से गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है ना, तो इस चक्कर में बर्फ थोड़ी कम होती होगी इस पहाड़ पे, बाकी उधर सेम ही है भाई। ठीक था, ठीक है भाई मज़ा आ गया ना, आगे भी आएगा। लो जी ज़्यादा रुकना खतरे से खाली नहीं है, 4:30-5:45 का टाइम हो चुका है भाई और ठंडी ठंडी हवा आने वाली लगी है, मौसम ख़राब हो चुका है और सर में दर्द होने लगी लो ऑक्सीजन के कारण और हवा ठंडी लगने के कारण। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं आगे, ढलान कवर करते हैं और रुकने की व्यवस्था करते हैं भाई। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर, सांस फूले जा रही है। ये पेंजिला टॉप क्रॉस करने के बाद ना हम जनस्कार में एंटर हो चुके हैं, तो वेलकम टू जनस्कार वैली भाई। और ना इसे जनस्कार का गेटवे ऑफ जनस्कार भी बोल सकते हैं भाई। 8:55 का टाइम हो चुका है, हमारे दोनों के सिवा कोई भी आ जा नहीं रहा भाई, सुनसान सा एरिया हो चुका है। और आगे बस ये थोड़ी सी लास्ट हाइट है, इन्होंने भी ना बोर्ड जोजला की तरह ना थोड़ी ढलान पर लगा रखा है जैसे उन्होंने लगा रखा है। आज एक बात अच्छी रही है, इस टॉप पर ना बारिश आई ना बर्फबारी हुई है भाई, ये बात अच्छी रही है। ढलान तो आ गई पर रास्ता अच्छा नहीं है, साइकिल पूरा भगाने वाला रास्ता है नहीं है, अगर कहीं रास्ता अच्छा होता ना मज़ा आ जाता। इसका नाम है तैतस्तो लैंगस्तो ऐसा लेक कुछ नाम है भाई, पढ़ना ही नहीं आता। चले भाई क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। अंकुश भाई और वो खड़े हैं, व्यू पॉइंट है जहाँ पर लेक व्यू पॉइंट है ना, नहीं यही लेक है, ये व्यू पॉइंट बना तो है बट इतनी हाइट नहीं है इसकी कि अच्छे से चारों तरफ का एरिया दिखाई दे। इधर की मिट्टी ना बिल्कुल बालू है, रेत है, मिक्स है, कंकर है, रेत है, ऐसा कुछ मिक्स है भाई। ओ भाई सच्ची वो छोटे वाली लेक है, ओ ये बड़े वाली लेक है, पिछले साल आया था ना तभी तेरे को पता, इधर भी लेक है भाई सच्ची यार। हेलो वेयर यू फ्रॉम, चंडीगढ़ हो फिर तो ठीक है, क्या खुश नज़ारे, वो भी सारे पास लग रहा है तो हमें तो कंफ्यूज हो ही गया आ गया। ओए क्या यार गिरा दिया होता है कुछ, क्या कर रहा है पीछे, अरे ऐसे नहीं यार। तो चलते हैं अभी देखते हैं आगे क्या माहौल है भाई और आज की स्टे कैसी होती है, जो जिले वाला काम ना हो जाए आज भाई। रास्ता हमारा ये आगे बट इधर कुछ लिखा हुआ है, हम इधर जा रहे हैं, क्या पता इधर पेंजिला टॉप लिखा हो। इधर की मिट्टी कुछ अलग सी है भाई, चिकनी चिकनी मिट्टी, 4400 मीटर एल्टीट्यूड पेंसिला, बोर्ड हमारा थोड़ा राइट साइड हो, देखा समझने वाला बोर्ड है, राइट बोलेंगे राइट हो जाएगा, लेफ्ट बोलेंगे लेफ्ट हो जाएगा। हाँ जी बस बस। लो जी अंकुश भाई ऐसे ही रहना, हम जा रहे हैं बाइक ले जाते हैं थोड़ा, तो ऐसे ही खड़े रहेगा ना, ठीक है जब भी कोई आएगा उसकी पिक्चर क्लिक कर देना करना, ओके हम चलते हैं। लो जी भाई सरकार तो कामयाब नहीं हो पाई बट हम कामयाब हो गए हैं, हमने अपने नीचे पिलर लगा दिए, देखो भाई टिगलू भाई भी खड़े हैं, ऐसे करके पिक्चर क्लिक कराई है हमने भाई। ठीक है भाई इधर अलग सी मिट्टी पड़ी है, पता नहीं कहाँ से आई है यार, कैसे क्या सकता समझ नहीं आ रहा, झरने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं भाई, बाकी माहौल बहुत मस्त है, चलते हैं भाई नहीं तो बीमार हो जाएंगे भाई, बर्फ बहुत ज़्यादा इधर, ये देखो आस पास। लो जी बाय बाय पेंजिला, अब बाय बाय हो ये पेंजिला अच्छे तरीके से, अब अंकुश भाई का पेट्रोल नहीं लगेगा क्योंकि ढलान है ना। ओ भाई साहब सामने का नज़ारा देखो,
पूरा तगड़े वाला ग्लेशियर जमा हुआ भाई। आगे से और अच्छे तरीके से दिखाएंगे नज़दीक जाके। लो भाई ऐसे नज़ारे कहीं मिलेंगे भाई। ये पूरा रास्ता ही जमा पड़ा पूरा का पूरा भाई। लो जी अब तकड़े वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है। अब देखो नज़ारे क्या आते हैं भाई। कुछ कैंप तो राइट साइड लगे हैं, ये नीले नीले दिख रहे होंगे आपको नीले नीले, और कुछ वो टीना वाले बड़े बड़े कमरे कैंप वगैरह वो लेफ्ट साइड दिख रहे होंगे, और उससे आगे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी दूर हैं शायद वो ना ही दिखाई दे रहे होंगे पक्का पता नहीं भाई। फिलहाल एक ब्रिज आ गया, ब्रिज क्रॉस करके आगे रास्ता अच्छे वाला आ जाएगा, और वो वाला ग्लेशियर अभी भी नीचे तक दिख रहा जमा हुआ भाई। फ्री सर्विस लिखा भाई, इधर किसी को कोई मुसीबत हुई होगी वहाँ पर आई होगी भाई। लो जी अच्छे वाला रास्ता आ चुका है भाई। लो जी चलते हैं हम भी नीचे, देखते हैं साइकिल कैसे उतरता है भाई। चलो भाई चलो शेरा आओ, वाह ला 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 ओह ओह रुका ही नहीं, अरे रुका ही नहीं। हाय भाई भाई क्या हो गया यार, तो नहीं 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 ओके इधर आ जाए, इधर 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 यहाँ पे सही है ना आश्चर्य वाली जगह। लो जी दुकान पे चाय हो पर हम चाय ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। चाय पीते जाके और साथ में कुछ हल्का फुल्का कहेंगे, भूख बहुत तगड़ी लगी है क्योंकि पास फतेह करके आए भाई। सच्ची नज़ारा आ गया इधर, छोटा गोविंदा डांस करवाना गोविंदा वाला ये दुकान है भाई, इधर चाय पीते हैं मज़े से। इधर अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, और यहाँ से व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा भाई। हेलो हेलो हेलो, लो जी टिगलू भाई आ चुके हैं, चाय हमने कैंसिल कर दिया, पहले लगाते हैं कैंप। लो जी इधर अंकुश भाई का लगा कैंप, इधर मेरा, और इधर टिगलू भाई लगा रहे, और इधर ये जिनकी दुकान है ना छोटा सा बच्चा बड़ा शरारती है बहुत ही ज़्यादा, हेलमेट ले रखा मतलब भूतों की तरह ना कूदे जा रहा है कूदे जा रहा है, और नारा अंकुश की तरह निकला हुआ है ए भूत आ गया, अरे 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 किधर से आ गया, अरे आ गया ओ चाचा प्याज लो जी रात के 9 का टाइम हो चुका है, हम खाना खाने आए थे इधर, जिस भैया की दुकान थी ना उन्हीं के इधर घर वगैरह थे वहीं पर खाना खाने आए थे, क्योंकि कोई जगह तो है नहीं खाने की, तो यहाँ खाना मिल चुका था भाई। जगह आपको सुबह दिखाएंगे अच्छे तरीके से, लगभग 100 के करीब इनके पास गायें हैं, गायें भी दिखाएंगे और आसपास का एरिया भी दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने कैंपों की तरफ भाई, इधर पानी चल रहा है नदी क्रॉस करनी है, और इधर बालू वगैरह भी आता रहता है भाई। तो ठीक है दोस्तों आज का सफ़र काफ़ी स्ट्रगल भरा भी रहा और अच्छा भी रहा, तो मज़ा आया, बाकी अभी थकावट हो रखी है, अभी कुछ नहीं करना, अभी जाके सीधा हमने सो जाना भाई, हम नींद आ रखे तगड़े वाली भाई। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।